हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 8 का फुल ट्यूटोरियल। दोस्तों, जैसा कि अगर आप भी चाहते हैं कि एंगुलर में अपना करियर बनाएं, तो आपको हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल कॉर्पोरेट लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको एंगुलर की बेसिक से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, और साथ ही साथ एंगुलर की लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए आपको हमारे वेबसाइट sahossoft.com पर जाना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो जल्दी ही इनरोलमेंट करिए। थैंक यू। इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में देखा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन का क्या कंसेप्ट होता है, एंगुलर 7 के अंदर किस तरीके से हम यूज करते हैं। हमने कोडिंग और प्रैक्टिकल करके भी देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन और सर्विस बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है एंगुलर एप्लीकेशंस के लिए। और दोस्तों, आज आपके लिए हम ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, एंगुलर 7 के अंदर किस तरीके से हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं, कौन कौन सा वे है यूज करने का, और किस तरीके से हम बूटस्ट्रैप यूज करके अपने एप्लीकेशन को स्टाइलिश और मॉडर्न बना सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि बूटस्ट्रैप एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी है, राइट, जो कि हमें एक पॉपुलर फ्रेमवर्क देता है, जिसमें हम CSS को यूज करके अपने एप्लीकेशन को स्टाइलिश और मॉडर्न बना सकते हैं, जिसमें अपने आप HTML, CSS, JavaScript का लाइब्रेरी इनबिल्ड होता है। हमें थर्ड पार्टी का कोई भी चीज यूज करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। मींस कि सिंस बूटस्ट्रैप इटसेल्फ ए मॉड्यूल दैट इनकैप्सुलेट्स ऑल द बूटस्ट्रैप फंक्शनैलिटीज, सो देयर इज नो नीड टू यूज एनी अदर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इनटू आवर एंगुलर एप्लीकेशन, राइट। जैसे दोस्तों, कि हम अगर बूटस्ट्रैप अपने एंगुलर में यूज करते हैं तो हमें कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, हमें किसी भी jQuery पर भी डिपेंडेंसी नहीं होता है, राइट। बस हमें क्या होना चाहिए कि कौन किस चीज पर डिपेंडेंसी होता है, कि एंगुलर जो है आपका 4 और उससे अपर वर्जन का होना चाहिए, राइट। उसके बाद बूटस्ट्रैप का 4 प्लस होना चाहिए, बूटस्ट्रैप 4.00 होना चाहिए या फिर इससे अपर होना चाहिए, जिसके हम बूटस्ट्रैप के CSS को केवल यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप JS और बूटस्ट्रैप .min.js आर नॉट रिक्वायर्ड। बूटस्ट्रैप भी हम यूज करेंगे तो उसे केवल CSS को यूज करेंगे, राइट। उससे ही हमारा एंगुलर के अंदर पूरा फंक्शनैलिटी यूज हो जाएगा, हम अपने एप्लीकेशन को स्टाइलिश बना सकते हैं, और उसका प्रैक्टिकल करके हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे भी, तो जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप भी अपना एप्लीकेशन स्टाइलिश बना सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन सा ब्राउजर सपोर्ट करता है हमारा बूटस्ट्रैप, राइट। तो दोस्तों, जितने भी लेटेस्ट ब्राउजर हैं, सारे लेटेस्ट ब्राउजर सपोर्ट करता है बूटस्ट्रैप को। जैसे क्रोम का लेटेस्ट है, फायरफॉक्स हुआ, एज हुआ, आई हुआ, जितने भी लेटेस्ट है, एंड्रॉयड में भी, सफारी में, सारे में सपोर्ट करता है बूटस्ट्रैप। इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है कि बूटस्ट्रैप हम यूज करते हैं तो हमारे सारे ब्राउजर पर हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क करेगा और स्टाइलिश दिखेगा, राइट। तो दोस्तों, आगे हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और कौन कौन सा वे है जिससे हम इजिली यूज कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, हम ये देखेंगे कि दो वे होता है एंगुलर एप्लीकेशन यूज करने के लिए। एक तो ये वे है कि आप बूटस्ट्रैप के जो साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाइए और मीन बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट सी एस एस को डाउनलोड कीजिए और अपने एंगुलर एप्लीकेशन में ऐप फोल्डर के अंदर, दोस्तों आप नोटिस कीजिए, ऐप फोल्डर के अंदर उसको रखेंगे और उसका जो पाथ होगा उसको एंगुलर डैश CLI, अगर पुराना आपका एप्लीकेशन है एंगुलर 7 से पहले का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर CLI लिख दिया है। अगर आप एंगुलर 7 में यूज करेंगे तो एंगुलर डॉट जेसन जो फाइल होता है, यहाँ पर CLI नहीं होता, उस फाइल के अंदर इसका पाथ रजिस्टर कर देंगे। उसको मैं दिखाता हूँ आगे किस तरीके से हम करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बूटस्ट्रैप को आप यहाँ पर फाइल को कॉपी कर देंगे, उसके बाद इस फाइल के अंदर अगर आप एंगुलर 7 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एंगुलर डॉट जेसन का फाइल मिलेगा, और यहाँ पर जाएंगे इस फाइल के अंदर, स्टाइल के अंदर जो स्टाइल एरे है उसके अंदर बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट जेस फाइल डॉट CSS फाइल को यूज कर लेंगे, राइट। तो दोस्तों, ये भी मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा स्टेप जो होता है दोस्तों, कि हम इसको इंस्टॉल करेंगे कमांड लाइन के थ्रू,
राइट, आप अगर वीएस कोड में आप कोडिंग कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन, एंगुलर एप्लीकेशन के, तो आप उसके टर्मिनल में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, उसके अंदर टर्मिनल होता है, टर्मिनल ओपन करेंगे तो आपका कमांड ओपन होगा, उसमें लिखेंगे npm install bootstrap डैश डैश सेव। तो ये कमांड जैसे ही टाइप करके टर्मिनल में इंटर हिट करेंगे तो आपके एप्लीकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है और आपके एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा। राइट, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एनजी मॉड्यूल्स जो फोल्डर होता है उसके अंदर बूटस्ट्रैप का फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर डिस्ट होगा, डिस्ट के अंदर जो बूटस्ट्रैप का जो पाथ बनेगा जो min.css का, उस पाथ को हम लाएंगे और हम रजिस्टर कर लेंगे स्टाइल के अंदर। राइट, तो उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन में इजिली यूज कर सकते हैं, और इसका आप पैकेज और जेसन फाइल में भी जाकर देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो चुका रहेगा। राइट, तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट के तरफ और इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से हम अपने किसी भी कंट्रोल पर बूटस्ट्रैप का CSS इजीली अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो दोस्तों ये है प्रोजेक्ट जहां पर हम एग्जांपल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे कि बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज करते हैं। दोस्तों या तो आप बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर bootstrap.min.css फाइल को डाउनलोड करके इस ऐप फोल्डर के अंदर कॉपी कर सकते हैं, और उसका पाथ जो है आप यहाँ पर एंगुलर जो है angular.json फाइल के अंदर यहाँ पर इसमें स्टाइल मिलेगा आपको, उस स्टाइल के अंदर यहाँ पर रख सकते हैं पाथ। राइट, तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे इंस्टॉल करके कैसे यूज करते हैं। राइट, तो उसके लिए कमांड होता है दोस्तों कि यहाँ पर आप लिखेंगे npm, और ये जो टर्मिनल है दोस्तों आपको आइडिया होगा कि टर्मिनल कहाँ से आता है, व्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टर्मिनल को ओपन कर लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा टर्मिनल, और यहाँ पर लिखेंगे npm install install bootstrap डैश डैश सेव और इंटर हिट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, उसके बाद इस एप्लीकेशन के अंदर बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है और इसका फोल्डर कहाँ पर बनता है। राइट, उसके बाद हम देखेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर कि किस तरीके से यूज करते हैं इसको। राइट, थोड़ा सा वेट करेंगे, इंस्टॉल हो रहा है अभी। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप 4.1.3 इंस्टॉल हो चुका है। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे आप पैकेज डॉट जेसन फाइल में नीचे है यहाँ पर, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपका जो बूटस्ट्रैप 4.1.3 है। राइट, तो फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फोल्डर कहाँ पर बनता है। राइट, जिसका हम पाथ देंगे। राइट, यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाएंगे दोस्तों, ये नोटिस करिए कि किस किस फोल्डर में जा रहे हैं, इसी का पाथ हमें देना होगा एंगुलर डॉट जेसन फाइल में। राइट, तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाएंगे हम, इसमें हम बी फोल्डर में जाएंगे जिसमें बूटस्ट्रैप होगा, बूटस्ट्रैप फोल्डर में आया यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर हम जाएंगे डिस्ट, और इसके अंदर CSS, CSS के अंदर देखिए इतने सारे CSS ऐड हो चुके हैं, बूटस्ट्रैप ग्रिड, ग्रिड डॉट CSS, सारे CSS जो है बूटस्ट्रैप के यहाँ पर आ गया है, हमें यूज करना है bootstrap.min.css फाइल को। राइट, तो इसका हम पाथ कहाँ पर देंगे, जैसा कि मैंने बताया एंगुलर डॉट जेसन फाइल के अंदर। राइट, इसको बंद करेंगे और एंगुलर डॉट जेसन फाइल के अंदर जाएंगे यहाँ पर। इसमें दोस्तों एक चीज और बताऊं कि मैं अगर आप सिस्टम में Angular 7 इंस्टॉल नहीं है, पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर angular.cli.json फाइल मिलेगा, उसमें आप ऐड करेंगे और यहाँ पर स्टाइल्स के अंदर ऐड करेंगे, इस एरे के अंदर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर नीचे ऐड करेंगे हम डबल की टोच के अंदर। राइट, डबल डॉट लगाएंगे कि दो फोल्डर बाहर निकलना होगा यहाँ पर। राइट, तो उसके बाद इसमें हम क्या लिखेंगे, नोड मॉड्यूल्स। राइट, फिर स्लैश बैक स्लैश, उसके बाद किस में जाना था, बूटस्ट्रैप, इसके बाद डिस्ट, इसके बाद हम CSS, उसके बाद बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट CSS। राइट, हमने पाथ दे दिया प्रॉपर। राइट, अब हम अपने एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप के CSS, जो bootstrap.min.css है, इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट पर। राइट,
इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि जाएंगे HTML पे हम यूज करने के लिए ये किस तरीके से इसको यूज करते हैं, राइट। अब हम जाएंगे HTML पेज पर और यहाँ पर सिंपल सबसे पहले क्या करें दोस्तों, एक बटन लेते हैं, राइट। बटन हमने लिया और इस बटन में हमने लिख लिया चेक बूटस्ट्रैप, बस हम देखने के लिए कि किस तरीके से इफेक्ट होता है, राइट। तो दोस्तों क्या होगा कि सबसे पहले इसको हम रन करा कर देखते हैं कि सिंपल वे में विदाउट बूटस्ट्रैप कैसा दिखता है बटन, उसके बाद इस पर अप्लाई करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पर हमने लिखा एनजी सर्व, राइट, इंटर हिट किया, थोड़ा टाइम लगता है एप्लीकेशन को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद हम देखेंगे इसका इफेक्ट। तो दोस्तों ये कंपाइल हो चुका है, हम ब्राउजर में देखेंगे, ब्राउजर में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे कि बटन आ चुका है, राइट। अभी इस पर हमने कोई ही बूट स्ट्रैप का क्लास या सीसेस कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, नॉर्मल बटन है, राइट। तो दोस्तों इसके बाद चलिए हम इस पर क्लास अप्लाई करते हैं, आपको पता है कि बूट स्ट्रैप हम क्लास अप्लाई करते हैं, तो बटन में जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास, राइट, और यहाँ पर लिखेंगे हम BTN, राइट। दोस्तों इतना ही से अगर मैं इतना ही चेक करूं ब्राउजर में, इसको सेव करके सेव कर दिया मैंने, और इतना ही चेक करूं तो आपको दिखेगा इतना ही से थोड़ा सा इफेक्ट आएगा बटन में, राइट। देखिए यहाँ पर बटन का स्टाइल चेंज हो चुका है, अब इसमें और हम चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे BTN डैश प्राइमरी, राइट, प्राइमरी। उसके बाद हम ब्राउजर में देखेंगे, फिर देखिए थोड़ा सा फिर इफेक्ट चेंज होगा इसमें, देखिए कलर आ गया इस पर, मींस की बूट ट्रैप का CSS इस पर अप्लाई हो रहा है। इसको हमें बड़ा करना हो तो यहाँ पर लिखेंगे हम BTN BTN LG फॉर लार्ज होता है, इसको सेव करके देखेंगे तो बटन बड़ा हो जाएगा, राइट। देखिए बटन बड़ा हो गया, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से हम बूट स्ट्रैप के CSS को यूज करके हम इजीली अपने एप्लीकेशन का स्टाइलिश और मॉडर्न बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कोई भी jQuery का फाइल या कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, बस बूट स्ट्रैप का main.css फाइल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमने angular.cli के अंदर हमने इसका रेफरेंस दिया। दोस्तों एक चीज और बता दूं कि अगर आपका ये पाथ में एरर आए तो आप डॉट को एक हटाकर या एक डॉट बढ़ाकर देख सकते हैं कि किस फोल्डर में आपका जनरेट होता है वो फोल्डर, राइट। तो उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं कि आपका जो डायरेक्टरी बन रहा है इसका कहाँ पर बन रहा है, राइट। तो उसके बाद दोस्तों फिर क्या करेंगे, हम इस फाइल में जाएंगे और यहाँ पर हम इसका भी चाहते हैं कि टेक्स्ट का जो ये टेक्स्ट दिख रहा है ये, इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं क्लास अप्लाई करके, राइट। यहाँ पर हमने लिख लिया मान लो दोस्तों क्लास, इसके बाद इसमें हमने लिख लिया टेक्स्ट डेंजर, राइट। तो ये इसका टेक्स्ट डेंजर कर देगा, मीन्स कि रेड कर देगा। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर में देखते हैं, तो आप ब्राउजर में जैसे ही एक्टिवेट होगा सर्वर हमारा, ब्राउजर में दिखेगा, देखिए इसका कलर डेंजर कर दिया और ये भी अप्लाई हो गया, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। दोस्तों बस हमने छोटा सा एग्जाम्पल देखा है किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से आप बूटस्ट्रैप के जितने भी CSS हैं क्लास के थ्रू आप अपने किसी भी कंट्रोल पर अप्लाई करके अपने एप्लीकेशन को स्टाइलिश बना सकते हैं। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सबको देखने के मिले। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।